बहुत दिन हो गए हमने अपनों को नहीं देखा। और तो हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज मैं बना रही सुबह सुबह चना मसाला। जो भी आपके घर में है ना, उसे ही आप बनाइए। तो मेरे पास चना था थोड़ा सा, उसे मैंने भिगा लिया था रात को ही और बॉईल कर लिया है। बस एक अनियन डाला है, एक टोमेटो डाला है। ये देखो, यम्मी चना मसाला रेडी हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। और क्या कहूँ, भाजी कुछ है ही नहीं, बस लेके आएंगे तो बनाएंगे खाएंगे। अब जो भी है उसी से काम चलाना पड़ रहा है। टेस्टी टेस्टी चना मसाला, आप लोग भी आ जाइए। और हाँ, आप लोग कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो जरूर कमेंट्स करना। तो चुमिन क्या बना रहे हो? ये देखो, हमारे चुनमुन भाई साहब जी हैं जो बना रहे हैं चाय, और ये हस्बैंड जी बनाए पकौड़ी। पता नहीं ये क्या बन रहा है, और यहाँ पे बनाए हैं ये चुनमुन भाई साहब ने हमारे। मैं खा के बताती कैसा है। अच्छा बना चुनमुन। ये देखिए मेरे हस्बैंड की करार मार। पकौड़ी ने पकौड़ा बनाया। देखो देती हूँ, आप खाओ पकौड़ी दी, आप खाओगे? दूं आपको पकौड़ी? हाँ नहीं, जिसने बनाया वही खाएगा। सब कपड़े अंदर ले लो, चलो। आज है मंडे और मंडे को हम पी रहे चाय पकौड़ा। घर में रह के क्या कर रहे, यही सब कर रहे हैं। क्या हुआ पीयू को? टीवी देखना है पीयू को। अब पीयू भी बोर हो रही है, अब ऐसा लग रहा है कब हम आजाद होंगे। अब बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। क्या यार, चलो चाय पी के आप लोगों से फ्रेश होके मिलती हूँ। ठीक है पीयू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा, आ जा। मेरा पीयू ने खाया ना, अच्छा था, चाचा ने अच्छा बनाया। देखो मैं पीयू को दिखाती हूँ। अच्छा था छोना, छोना अच्छा था। कौन सा कार्टून? सब लोग पूछ रहे, बता दो। सुबह सुबह न्यूज़ देखना, व्हाट्सएप खोलना, न्यूज़ देखना, वही न्यूज़ वही न्यूज़। तो सोचा चलो थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, कुछ अच्छा फील कराती हूँ खुद को। बट अच्छा लगता है ना। और मम्मी हमेशा कहती है शाम को हमेशा रेडी हो जाया करो ललिता। सुबह से वही कर रही रेडी हूँ। हो गई हूँ, कैसी लग रही होता है ना, जरूर। अब जा रही हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज करने। कितना टाइम हो गया? 7:30 15 मिनट आगे। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करूंगी, फिर थोड़ा सा किचन का काम करूंगी, उसके बाद थोड़ा घर ऑर्गेनाइज करूंगी। बहुत तहस नहस हो गया घर मेरा। कहाँ गया स्किपिंग? कहाँ गया पापा स्किपिंग? रस्सी उड़ी मेरा। पीयू, मम्मा का रस्सी उड़ी किधर गया? ये दिखाओ तो सबको, देखो तुम्हारा स्कूल का बैग। स्कूल का बैग? क्यों स्कूल क्यों नहीं जा रहे तुम? नहीं जाना स्कूल, नहीं जाना। पीयू को लग रहा है अच्छा है, मजा है स्कूल नहीं जाना, और बाहर जाने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही पीयू, है ना। पीयू को लग रहा है अरे वाह कितने अच्छे दिन है, पापा भी साथ में, चाचू भी है, और मैं इतने अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। मैं जाएगा लेके, वो जाएगा, बोलती है स्कूल बंद हो गया है, ऐसा टीचर ने ऐसा बंद कर दिया है। मैं लेके जाएंगा कल। आपको अच्छा लगता है घर में? घर में पसंद है? चलो आप बता दो सबको, तब आओ सबको बता दो, सबको बता दो। सब लोग देख रहे हैं पीयू को, बोलते हैं पीयू कितना अच्छा बच्चा है मेरा। अब मैं रेडी हो गई, चलो अब जाते। भाग रही है।
किया, पूरा मैंने सैनिटाइज किया खुद के बनाए हुए DIY से। अब ये सब देखिए, सब कर रही हूँ बैठ के सब। तो ये देखिए मैंने घर को किस तरह से थोड़ा सा अलग ऑर्गेनाइज किया। और पीहू यहाँ पे बाय द वे क्या स्टडी करे पता नहीं। पीहू क्या पढ़ रहा है तुम? पीहू ये कौन सा स्टडी, क्या बनाया आपने? ए बनाया, बी बनाया, क्या बनाया बता दो। इसमें ढूंढ लो आप लोग, ए कहाँ है, बी कहाँ है। पूरे घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है मैंने, और यहाँ पे दो चेयर रख दिया, और पूरा सैनिटाइज किया मैंने सब कुछ। यहाँ से लुक दिखाती हूँ आप, किचन में दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं। चोरी चोरी है। अच्छे से काम करना, पगार काट लोगी नहीं तो। ये देखो पकोड़ा बना के रखा है, कोई खाया नहीं है पकोड़ा। ये देखो सवास जियो मेरे लाल पीले काले। पीयू के पापा को आदत नहीं ना, ऐसा देख रहे हैं तो ऐसा देख रहे हैं। तो क्या कर रही है? I am doing my job। और मैंने घर की साफ सफाई की, पोछा किया, सब किया। हालत देख सकते हो आप, पूरे मेकअप कैसे बह रहे हैं। अब चलो किचन में, आज बनाती हूँ मेथी पराठा, है ना पापा? चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों को किचन में। चीयर्स। आप लोग कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए। ये बहुत अच्छा है। अरे कोरोना कहीं दिख जाए तो मारेंगे पटक पटक के। पीयू भी है ना, गवर्नमेंट तो होगा ना, किसी में चला सारे। बस कोरोना दिख जाए उसे हम पकड़ के दबोच के उसको मारेंगे, है ना पीयू? तुम भी मारेगा ना? अभी बाल बनाते हो कैसा कर लेता, तुमको सब बोलेंगे गंदा बच्चा है। आज से दूध भी बंद पीऊ का, बहुत टेंशन आ रहा है कि पीऊ का दूध बंद, अब क्या होगा? जिसके घर में बच्चे हैं ना उनको ये सबसे बड़ा टेंशन होगा सच में। लेके आना ठीक है, लेकिन कैसे तबेले का दूध अलग होता है ना, अभी थैली का अलग नहीं, मतलब फिर भी अभी कैसे थैली का दूध उसको ज्यादा दिया नहीं है मैंने। भाऊ मेरा थैली का दूध भी पी लेता है ना पीयू, पीता है ना? इतना गोरा गोरा हो गया सारा दूध। आज पहली बार तेल लगाया जा रहा है, क्या बात है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हो हमारी छुट्टी कभी नहीं हुई है, मुझे लगता है सब लेडीज़ की यही हाल है। और एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड और देवर दोनों हेल्प करते रहते हैं, तो इस मामले में मैं तो बहुत लकी हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, इसे क्या कहते हैं, सरपुतिया कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर कॉमेंट्स करना। और बस बनाते बनाते थोड़े बहुत वीडियो मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं सारे फ्रेंड से, लगभग सभी फ्रेंड से मैंने बातें की और सबकी हालचाल ली। मुझे अच्छा लगता है अपने फ्रेंड से बातें करना, कनेक्ट रहना। और सबसे मतलब बहुत सारे लोगों से मैंने बातें की और बिंदु दीदी से बातें की। हम एक ही सोसाइटी में रह के ना हम मिल नहीं पा रहे हैं, तो बहुत रोना आ रहा था। और पापा वो बार बार फ़ोन करते रहते हैं, पापा फ़ोन करते रहते कुछ चाहिए तो बोलो मैं लेके आता हूँ। मतलब इतना इंडियन फैमिली इतनी टचिंग होती है ना, मतलब कि क्या मैं बोलूँ कि बहुत 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 केयर करते हैं। और इतने मतलब ऐसे वक्त में भी पापा मतलब बहुत टचिंग है यार, मतलब बहुत टचिंग है, मैं बयान नहीं कर सकती मतलब इस तरह से।
ये अपनों का प्यार है, बट ये जो है ना सिचुएशन ऐसा है कि हमें बहुत समझदारी दिखानी है और घर में ही रहना है, सेफ रहना है, कहीं नहीं जाना है। सो चलिए आटा भी गूंद लिया जाता है, तो यहाँ पर आटे भी ख़त्म हो चुके हैं और मैंने ज्वारी, बाजरी, नाचनी सब थोड़े थोड़े में एक एक किलो हमेशा पीस के रखती हूँ, तो वो सब ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे बाजरी और मक्के का आटा था और ये आटा है। चलिए इतना तो है कि राशन अवेलेबल है, हम जा सकते हैं, बट अभी अभी नहीं जा रहे हैं, बहुत ही रेयर जा रहे तो वो इस तरह से मैनेज कर रहे हैं सब कुछ। एक्चुअली हम लोग रात को रोटी ही खाते हैं और अवॉइड करते हैं चावल खाना, चावल सुबह ही जितना होता उतना खाते हैं। तो शाम को आज बन रहा है सिंपल सा भाजी एंड रोटी, क्योंकि शाम को थोड़ा हैवी नाश्ता हमने कर लिया था, पकौड़ा जैसे आप लोगों ने देखा। सो मैं रोटियां बना रही हूँ, पीयू के पापा यहाँ पे पीयू को गर्मा गर्म रोटी खिला रहे हैं और पीयू देखो किस तरह से मस्ती कर रही है। और बातों बातों में मेरी भाजी भी रेडी हो गई है यहाँ पर। गुड गर्ल। बंद करो, जल्दी धो। हाँ हाँ चलो, पापा ने खाना खिलाया ना, पापा ने खाना अच्छा था, पिंक कलर नहीं होगा, चलो धो जल्दी। हाँ हो गया पिंक कलर, हो गया देखो, हो गया पिंक, नहीं नहीं देखो हो गया, व्हाइट से पिंक हो गया, हो गया पिंक हो गया, हो गया। तुमको नानी, बिंदु, मम्मी, नाना सब लोग पूछ रहे थे कैसे। हाँ स्ट्रॉबेरी वाला कलर चाहिए, चलो ठीक है, धोलो धोलो, चलो बस हो गया, बस हो गया, इतने आओ चलो दो चालू करो, हो गया पगलू, एक मिनट से ज्यादा हो गया। चलो पीयू ज्यादा हो गया, 20 सेकंड से ज्यादा हो गया। हाँ तो बस खेलने थे, बस तुम सुबह किया था ना, एक काम करो हन्नू भी कर लो, चलो ठीक है, चलो नहा भी लो। हाँ हाँ चलो नहा भी लो ना, गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल। हाँ एकांत नहीं करता है हैंड वॉश, वो तो लेकिन ये तो छोटा बापू है। हाँ ना एकांत नहीं करता है ना, मेरा पीयू तो गुड गर्ल है, मेरा पीयू करता है ना। हो गया क्लीन हो गया, क्लीन हो गया। अरे चलो बस हो गया, चलो नहीं। चलो चलो हो गया बेटा, धोना है। हाँ चलो मैं धो देता, चलो 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 रख दो, अभी मत नहीं, करना नहीं। पानी बंद कर, सॉरी मैं टावल देता हूँ तुम्हारा, तुम उसे पूछो ठीक है। सो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग, आशा करती हूँ सब लोग अच्छे से होंगे, अपने घर में होंगे, सेफ होंगे। और जैसे पापा का फोन आया था, पापा बोल रहे थे कि कुछ राशन है बेटा तो बोलो मैं लेके आता हूँ, मतलब मुझे इतना रोना आ रहा था कि पापा पूछ रहे हैं कि राशन है कि नहीं, मैं लेके आता हूँ, मतलब यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर दूरी पे हैं मगर, और दीदी तो मेरे ही सोसाइटी में रहती है बट हम मिल नहीं पा रहे, इतना इतना ज़्यादा मतलब ये हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है बहुत दिन हो गया हमने अपनों को नहीं देखा। और चलो घर में रहो, सेफ रहो और आपके कमेंट करते रहो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है।
दैट्स इट, अपने परिवार का और अपना ख्याल रखो।